हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट केमिकल रिएक्शंस फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर फ्रॉम क्लास 10th केमिस्ट्री। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल बटन फॉर मोर अपडेट्स। योर एप्रिसिएशन विल मोटिवेट मी टू मेक मोर सच वीडियोज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम इस लेक्चर में केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। देखो, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज। ओके, न्यू सब्सटेंसेस एंड न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। देखो, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है ये हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, ये एक बर्नर है और ये मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम बेसिकली लेबोरेटरी में एज ए रिबन पाए जाते हैं। तो अगर हम ये मैग्नीशियम रिबन को बर्नर में अगर बर्न करें तो क्या होगा? देखो, मैग्नीशियम एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो इसको अगर हम बैलेंस करें तो क्या होगा, 2MgO, तो यहाँ पर भी 2 होगा। ओके, तो इसको अगर हम हीट करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, एक वाइट पाउडर होता है। देखो, एक वाइट पाउडर होता है। तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज। तो एटम्स का तो कोई चेंज नहीं होता है, ओनली रीअरेंजमेंट होता है। ओके, और द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ओके, द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस होगा और रिएक्टेंट्स का जो कि प्रॉपर्टीज होगा वो बिल्कुल अलग होगा। एक बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा, ये जो मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन के सरफेस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक कोटिंग पाए जाते हैं। ओके, तो ये कोटिंग मैग्नीशियम रिबन को बर्नर में बर्न करने से पहले ये कोटिंग हमें रिमूव करना पड़ेगा। कैसे हम रिमूव करेंगे, इसको सैंड पेपर में रब करके ये कोटिंग हमें रिमूव करना पड़ेगा बर्नर में बर्न करने से पहले। ओके, ये बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। और एक बात आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करेंगे तब ये जो ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होता है ये हमारे आँख के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो हमें बहुत ही सावधानी से ये पूरा जो प्रोसेस है इसको करना पड़ेगा। ओके, अब जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस का इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो है इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, नेक्स्ट दैट इज अ चेंज इन कलर। ओके, एंड नेक्स्ट दैट इज अ चेंज इन टेम्परेचर। एंड नेक्स्ट दैट इज चेंज इन स्टेट। ओके, अब हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। ओके, ये एक कोनिकल फ्लैक्स है। अगर हम एक कोनिकल फ्लैक्स में कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स ले लें और उसमें कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर दे तब क्या होगा,
तब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस का बबल्स प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो हमने देखा कि अगर हम जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दे तब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, और उसके बाद दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। ओके, देखो ये एक बीकर है और इसमें लेट नाइट्रेट है। लेट नाइट्रेट का कलर बेसिकली वाइट होता है और ये पोटेशियम आयोडाइड है। पोटेशियम आयोडाइड का कलर भी वाइट होता है। अगर हम एक बीकर में लेट नाइट्रेट ले और उसमें कुछ पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर दे तो हमें क्या दिखने को मिलेगा? हम देखेंगे कि पहले येलो कलर का लेट आयोडाइड का एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, उसके बाद पूरा सॉल्यूशन का कलर ही चेंज होकर येलो हो गया है। ओके, तो हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस में कैसे प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ओके, उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम जानेंगे वो है चेंज इन कलर। ओके, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है और इसका जो कलर है वो है ऑरेंज। जब हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में से पास करेंगे तब क्या होगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो ऑरेंज से चेंज होकर ग्रीन हो जाएगा। ओके, तो हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा कैसे कलर चेंज होता है। केमिकल रिएक्शंस का दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है चेंज इन टेम्परेचर। देखो ये एक बीकर है और उसमें कुछ कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड क्विक लाइम। ओके, जब हम इस बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर पास करेंगे तब क्या होगा? केमिकल रिएक्शंस के द्वारा कैल्शियम ऑक्साइड चेंज होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? स्लेक्ट लाइम। ओके, तब क्या होगा? बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। इस केमिकल रिएक्शंस के द्वारा क्या होगा? बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ओके, सो इस केमिकल रिएक्शंस को हम कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो हमने देखा कि कैसे केमिकल रिएक्शंस के द्वारा टेम्परेचर का चेंज होता है। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमने जाना केमिकल रिएक्शंस के द्वारा टेम्परेचर का चेंज कैसे होता है। हमने जाना एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर का चेंज कैसे होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर का चेंज कैसे होता है ये हमने जाना। इसमें क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है। ओके, अब हम जानेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है? इनमें हीट एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, अगर हम अमोनियम क्लोराइड को बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला दे तब क्या होगा? बेरियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर प्रोड्यूस होगा। ओके, तो इन रिएक्शन में क्या होगा? इनमें हीट एब्जॉर्ब होगा। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमने जाना कि केमिकल रिएक्शंस के द्वारा कैसे टेम्परेचर का चेंज होता है, कैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है हीट प्रोड्यूस होता है, कैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है हीट एब्जॉर्ब होता है। ओके, लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जानेंगे वो है चेंज इन स्टेट। ओके, देखो जब हम वैक्स को बर्न करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैंडल तब क्या होगा? वैक्स बर्न होकर क्या प्रोड्यूस करेगा? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, वैक्स इज ए सॉलिड एंड वाटर इज ए लिक्विड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस। ओके, तो हमने देखा कि कैसे सॉलिड केमिकल रिएक्शंस के द्वारा लिक्विड एंड गैस चेंज हो रहा है। ओके,
तो ऐसे ही केमिकल रिएक्शंस के द्वारा स्टेट चेंज होता है। तो इसमें हमने देखा कि सॉलिड चेंज होकर लिक्विड एंड गैस प्रोड्यूस कर रहा है। ओके,